तो गाइज ये स्टेशन है जो कि पूरी तरीके से अभी बंद हालत में है। तो ये है पादरा का स्टेशन गार्डन। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज संडे है और आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम कहीं घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज मैं पादरा यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाला हूँ, वो भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने वाला हूँ क्योंकि गाड़ी में से ही आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल सुबह के 10 बज रहे हैं और हम मेरे गांव से होते हुए, जो मेरे गांव में यहाँ से 1 किलोमीटर एक मंदिर है जो कि चंचल माता का है, तो वहाँ पर जाएंगे। फिर वहाँ से हम जाने वाले हैं दरापुरा, जो चेतन हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ विजिट करने के लिए। और उसके बाद फिर हम जाने वाले हैं पादरा, तो पादरा थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। तो चले पहले आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ मेरा गांव और फिर यहाँ से हम जाने वाले हैं दरापुरा चेतन हनुमान जी दादा के मंदिर। तो पहले आप मेरा गांव देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं दरापुरा। तो अभी हम गांव के अंदर से जा रहे हैं और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर, अरे यार सीट बेल्ट तो भूल ही गया, एक सेकेंड। ओके, तो अभी मेरे गांव से होते हुए हम निकल रहे हैं और हम जाने वाले हैं यहाँ से 1 किलोमीटर जो चंचल माता का मंदिर है वो विज़िट करने के लिए। तो आप गांव देखिए और फिर मैं आपको टेंपल विज़िट कराता हूँ। दोस्तों ये हमारा गांव है, गायज पादरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और वडोदरा जिले में आया हुआ है। और यहाँ पर है हमारी प्राथमिक शाला। वैसे पूरे गांव का एक व्लॉग में अलग से शूट करने वाला हूँ जिसको मैं आपको पूरी ड्रोन शॉट के साथ पूरा गांव दिखाने वाला हूँ। ये तो सिर्फ अभी हम निकल रहे थे तो मैंने सोचा कि गाँव के अंदर से निकलता हूँ और आपको थोड़ा बहुत गाँव दिखाता हूँ, नहीं तो जितना भी ये हमारा पूरा गांव है वो अलग से मैं एक व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा ड्रोन शॉट के साथ अपना गांव विजिट करवाने वाला हूं। तो यहां से हम जाने वाले हैं जो चंचल माता का मंदिर है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बंद हो गया होगा क्योंकि अभी टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं। जो वहाँ के पुजारी है वो सुबह जाते हैं पूजा करके फिर निकल जाते हैं, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो दर्शन करके चलेंगे, नहीं तो फिर आपको बाहर से ही मैं मंदिर दिखा दूंगा। तो ये करजन पादरा मेन रोड है जो करजन और पादरा को जोड़ता है। अभी मैं आपको सीधे मंदिर पे ही आपसे दोबारा मुलाकात करता हूँ। तो भाई पहुँच चुके हैं मंदिर और नसीब ने साथ दिया है, आज मंदिर खुला है। तो चलिए दर्शन करते हैं, मैं आपको पूरे मंदिर का दर्शन कराता हूँ और फिर यहाँ पर जो अभी गार्डन का काम चल रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये टेम्पल है चंचल माता जी का गायज। दोस्तों अभी मैं मंदिर पहुंच चुका हूं और ये जो मंदिर है हमारे गायज में आया हुआ है और करीब गायज से समझो 1 या आधा किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहां पर जब नवरात्रि का 8वां दिन होता है तो 8वें दिन यहां पर मेला लगता है और साथ ही साथ यहां पर हवन होता है, जब यहां पर पूरे गाँव के लोग माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा पूरा यहाँ पर मेला लगता है, हर साल यहाँ पर मेला लगता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर विजिट करते हैं, मैं भी दर्शन करता हूँ और पूरा मंदिर आपको विजिट करवाता हूँ। तो अभी मैं मंदिर के अंदर हूँ और आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर चंचल माता जी के।
और यहाँ पर साथ ही में दर्शन होते हैं हनुमान जी महाराज के, हनुमान जी दादा के। और साथ ही में यहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, यहाँ पर शिवलिंग है। तो दोस्तों दर्शन हमने अभी कर लिए, और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये करीब करीब 250 से 300 साल पुराना मंदिर है, और ये काफ़ी प्रचलित मंदिर है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हर साल यहाँ पर मेला लगता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर दर्शन के लिए माता जी के आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा जंगल एरिया भी लगता है, तो यहाँ पर पूरा गार्डन अभी तैयार हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। अगर आप विज़िट करना चाहो तो गायत से, जैसे मैंने आपको रास्ता दिखाया, सिर्फ एक या आधा किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ ये बेहद ही खूबसूरत टेम्पल है, तो विज़िट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो चलिए अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं दरापुरा, जो चेतन हनुमान जी दादा का मंदिर है वो विज़िट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं दरापुरा। चलिए दर्शन हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिए हैं, और अभी मैं यहाँ से दरापुरा जैसे कि मैंने आपको कहा जाने वाला हूँ। ये जो पीछे आप देख रहे हैं कि कुछ ढका हुआ है, तो हाँ ये सामान जो मैं डिलीवर करता हूँ, चॉकलेट्स है सब कैडबरी। अभी गाड़ी क्या है ना, पूरा दिन धूप में रहने वाली है, तो धूप में क्या है ना कैडबरी सब पिघल जाएगी, जिस वजह से मैंने सोचा कि इस पे कर्टन डाल देता हूँ ताकि ज़्यादा माल ख़राब ना हो, क्योंकि आज तो संडे है और संडे के दिन मैं सिर्फ और सिर्फ घूमने का ही काम करता हूँ। सैटरडे संडे वैसे तो दो दिन होते हैं, लेकिन अभी मैं संडे को ही ज़्यादातर व्लॉग के लिए जाता हूँ, जिस वजह से अभी पादरा जाना था नज़दीक दरापुरा, तो मैंने सोचा कि पूरी गाड़ी को खाली नहीं करते और ऐसे ही माल को ढक दिया, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं दरापुरा, वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं पादरा। तो अभी हम मेन रोड पे आ चुके हैं, जैसे मैंने आपको कहा करजन पादरा रोड है, और पादरा से जो गायज की दूरी है वैसे 3 किलोमीटर है, तो जैसे ही आप पादरा से निकलो 3 किलोमीटर पे ही यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। और गायज रोड पे आपको ऐसे बहुत सारी सोसाइटीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप दोनों साइड यहाँ पे देखोगे तो आपको काफ़ी सारी सोसाइटीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो प्राइस है डुप्लेक्स में अगर आप लेने जाओ तो 35-40 लाख से शुरू होते हैं 50 लाख तक, और जो 1 BHK में है अगर आपको आगे ज़्यादा प्लेस चाहिए तो करीब करीब 45 लाख के करीब है, और अंदर जैसे आप जाते हो तो 25-27 लाख आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो प्लेस है वो काफ़ी सुंदर है, साथ ही साथ बहुत ही शांत है, सिटी से थोड़ा दूर है, तो ना आप गांव कह सकते हो ना आप सिटी, बीच वाला मामला हो जाता है, तो रहने में भी लोगों को काफ़ी मज़ा आता है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर घर के साथ साथ अपनी दुकानें भी लगाई है, तो जैसे आप आओगे तो आपको पता चलेगा। वीडियो में शायद आपको इतना पता ना चले, लेकिन आप खुद जब यहाँ पर आओगे तो आपको पता चलेगा कई सारे लोग यहाँ पर रहने हैं, क्योंकि करीब करीब 7 से 8 सोसाइटीज़ यहाँ पर है। और यहाँ पर अदिति स्कूल है, दरापुरा जाने के लिए हमें पादरा जाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जैसे ही गायज से हम 1 किलोमीटर आगे आते हैं तो ये कैनाल आती है, नर्मदा कैनाल,
और यही से ही हमें राइट साइड गाड़ी मोड़नी है, तो कैनाल से ही हम दादापुरा के लिए निकल जाते हैं। इसी कैनाल से हम आगे सोखड़ा भी जाते हैं और इसी कैनाल से हम सांगमा भी निकल जाते हैं। भी आगे ट्रैक्टर है यहाँ पर, ये सिंगल वे है तो काफ़ी संभाल के चलाना पड़ता है क्योंकि दूसरी ओर से भी गाड़ियाँ आती है और मेन तकलीफ आप देखो इस तरीके से गड्ढे भी होते हैं, तो गाड़ी काफ़ी संभाल के यहाँ पे चलानी पड़ती है। तो चलिए अभी मैं आपको मिलता हूँ सीधे दादापुरा, जो चेतन हनुमान जी का मंदिर है वहीं पर, तो वहीं पर जाके आगे वहीं की बात करते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम दादापुरा में पहुंच चुके हैं। तो अभी मैं बिल्कुल मंदिर के सामने खड़ा हूँ और यहाँ लिखा है श्री चेतन हनुमान जी मंदिर दादापुरा। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं और आपको भी मैं पूरा मंदिर विजिट कराता हूँ। तो मैं मंदिर विजिट करने से पहले अगर हम दादापुरा गांव की कुछ बात करें तो ये जो गांव है वो गुजरात राज्य के वडोदरा जिले के पादरा तालुका में आया हुआ है और यहाँ की पॉपुलेशन जो है 2011 की जो गिनती है उसके हिसाब से 3032 है और अभी तो फिलहाल 2024 है तो काफ़ी बढ़ गई होगी। और साथ ही साथ ये अगर बात करें तो 666 फैमिलीज यहाँ पर रहती है इस पूरे गांव में, और जैसा गायज हमारा गांव है वैसे ही दादापुरा गांव भी काफ़ी बड़ा गांव है। तो चलिए अब ये कुछ जानकारी थी मैंने सोचा आपको दे दूँ, अब चलते हैं और दर्शन करते हैं चेतन हनुमान जी के। तो यहाँ से नीचे दर्शन के लिए जाना है। हमने अभी दर्शन कर लिए हैं, तो जैसे ही आप मंदिर में एंटर करोगे तो आपको श्री चेतन हनुमान जी दादा के दर्शन होते हैं, भगवान श्री राम जी के दर्शन होते हैं, भगवान श्री भोलेनाथ जी के दर्शन होते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर वासुदेव जी के, श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। और जैसे ही आप मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे आप निकलते हो तो एक खूबसूरत सा यहाँ पर आपको लेक, एक तालाब देखने को मिलता है जो कि मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। तो ये था पूरा श्री चेतन हनुमान जी दादा का मंदिर का टूर जो कि दादापुरा में आया हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं पादरा और पादरा जाके थोड़ा बहुत पादरा को एक्सप्लोर करते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से हमने दर्शन कर लिए और दर्शन के बाद अभी मैं पादरा के लिए निकल चुका हूँ। पादरा हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी दिवाली का टाइम चल रहा है और दिवाली की वजह से सब लोग खरीदी के लिए निकलते हैं, तो मैं आज गाड़ी लेके निकला हूँ तो इसको पार्किंग की भी काफ़ी दिक्कत होगी, तो ज़्यादा अंदर बाजार के अंदर मैं नहीं लेके जाऊँगा। लेकिन हाँ, आपको मैं कुछ कुछ जो फेमस चीज़ें हैं वो दिखाने की ज़रूर ट्राई करूँगा।
तो चलते हैं और पादरा के अंदर जितने भी फेमस जो चीज़ें हैं जिससे पादरा की पहचान है वो मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। तो गाइस अभी हम पादरा के अंदर एंटर कर चुके हैं और ये जो आप सामने वहाँ पे देख रहे हैं वो डीडी पटेल शारदा इंग्लिश स्कूल है जहाँ पर मैंने पढ़ाई की थी। आज संडे है, नहीं तो अंदर जाके आपको दिखाता, अभी बंद है। इस एरिया को भी स्कूल के नाम से ही जाना जाता है, डीडी पटेल। यहाँ पर मैंने 8, 9 और 10 तीन साल यहाँ पर पढ़ाई की थी। उसके बाद 11-12 के लिए पादरा पीपी श्रॉफ हाई स्कूल में मैं चला गया था। ये पूरा जो एरिया है इसे डीडी पटेल के नाम से ही जाना जाता है, फेमस है। तो अगर पादरा की पॉपुलेशन की हम बात करें तो 2020 की जो जनगणना है उसके मुताबिक 2,00,000 यहाँ की पॉपुलेशन है और 52% जो है वो जेंट्स और 48% लेडीज टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें है। पादरा को एक तालुका कहा जाता है, एक तालुका है और टोटल तहसील जिसे कहते हैं, टोटल जो पादरा में शामिल है वो गांव की संख्या 84 यानी 84 गांव पादरा के अंदर टोटल शामिल है और इसका जो जिला लगता है वो वडोदरा है। अभी हम छिप्पाड़ एरिया में है, यहाँ पर एक तालाब है जिसे छिप्पाड़ तालाब के नाम से जाना जाता है और उसी के नाम से ये एरिया को भी छिप्पाड़ एरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये अंबेडकर सर्कल है, अभी हम अंबेडकर सर्कल के पास खड़े हैं और यहाँ से हम लेफ्ट लेके जाएंगे फुलबाग की ओर। तो ये पूरा आप देख सकते हैं बाजार दिवाली की वजह से काफी अंदर तो काफी भीड़ होगी, ये थोड़ा बाहर का एरिया है इसलिए थोड़ा कम है। तीन चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, एक तो सब्जी के लिए, दूसरा बूट चंपल के लिए, शूज के लिए और तीसरा गोल्ड के लिए। इन तीन चीजों के लिए पादरा काफी फेमस है। तो देखिए यहां से ये जो गली है उसके अंदर अभी तो नहीं जा पाएंगे हम, लेकिन ये पूरी गली आपको शूज बूट और चंपल के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर काफी अच्छे बूट और चंपल मिल जाएंगे आपको। देखिए मैंने कहा था ना कि अभी दिवाली की वजह से काफी भीड़ होंगी और इसी वजह से मैं गाड़ी को ज्यादा अंदर नहीं ले जाना चाहता। इस एरिया में सब मीट शॉप है चिकन और मटन के लिए और यहाँ से आगे बैंक ऑफ बड़ौदा जो साइड में आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं टावर जो कि काफ़ी पुराना है और इस एरिया को टावर एरिया के नाम से भी जाना जाता है और पानी की टाकी के नाम से भी, क्योंकि एक बड़ी सी यहाँ पर पानी की टाकी है तो पानी की टाकी के एरिया के नाम से भी ये जाना जाता है। और ट्रैफिक आप देख सकते हो काफ़ी, बड़ी गाड़ियां तो बहुत ही कम रेयर केस में अंदर आने देते हैं क्योंकि काफ़ी फिर ट्रैफिक हो जाता है। देखिए ये पानी की टाकी और इसी वजह से इसे पानी की टाकी का एरिया भी कहा जाता है। तो अभी हम आ पहुंचे फुलबाग एरिया, यहाँ पर एक बाग है इसी वजह से इसको फुलबाग के नाम से जाना जाता है। तो
अभी मैंने गार्डन में एंट्री के लिए ट्राई किया, लेकिन इस साइड से एंट्री बंद है, आगे की साइड से जाना पड़ेगा। लेकिन अब वही प्रॉब्लम हो जाती है कि भीड़ में गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, और फिर तकलीफ ये होगी कि वहाँ पे पार्किंग के लिए भी मगजमारी होगी। तो इसको स्किप कर देते हैं और चलते हैं आगे, नहीं तो गाड़ी की पार्किंग में ही एक दो घंटा निकल जाएगा और अच्छी पार्किंग भी नहीं मिलेगी और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और सामने यहाँ श्री वल्लभा रेस्टोरेंट है, ये जो कॉम्प्लेक्स है उसी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर बोखन खाड़ा नाम से ये जगह प्रचलित है। यहाँ पर एक लेक ही कह सकते हैं, एक तालाब जैसा, जिसे बोखन खाड़ा के नाम से जाना जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस एरिया को बोखन खाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पादरा में आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे तीन चीज़ों के लिए तो मैंने आपको कहा कि फेमस ही है, जूते चप्पल के लिए, सोने के लिए और सब्जी के लिए। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ट्रैक्टर के लिए भी, यहाँ पर काफ़ी सारे शोरूम है। स्कूटर के लिए यामाहा देख लो, बजाज देख लो, टीवीएस, हीरो, होंडा, आपको कोई भी स्कूटर गाड़ी लेनी हो तो यहाँ पर शोरूम है। फोर व्हीलर के लिए जैसे मैंने कहा आपको बड़ौदा जाना पड़ेगा। और अभी हम चलते हैं मार्केट विज़िट करने के लिए, जो सब्जी मंडी है यहाँ की सबसे बड़ी। यहाँ से काफ़ी सारी जगहों पर सब्जी यहाँ पर डिलीवर होती है। पहले मैंने सुना है कि मुंबई, अहमदाबाद, कर्जन सभी जगहों पर यहाँ से डिलीवर होती है। तो चलिए एक बार विज़िट करते हैं, काफ़ी बड़ी सब्जी मंडी है यहाँ पर, तो देख लेते हैं एक बार। तो अगर पादरा में खाने पीने की चीज़ों की अगर बात करें तो भी काफ़ी फेमस जगह है। जैसे अगर आप यहाँ पर आओगे तो जलाराम खमन काफ़ी फेमस है, जो मॉर्निंग में लगता है काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे। उसके बाद महाकाली सेऊ सड़ है, जो मार्केट चार रास्ता के सामने है। तुलसी पाव भाजी है। उसके बाद अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो भी यहाँ पर रेस्टोरेंट, एक सखी होटल है, दूसरा भी एक बॉम्बे करके है जिसका नाम मुझे पूरा याद नहीं है, वो अभी हम जाके देखेंगे वहाँ पर, जो एग्जिट डेपो के सामने है, तो वो भी एक फेमस जगह है। तो खाने पीने के लिए भी काफ़ी सारे स्टॉल यहाँ पर लगते हैं, काफ़ी सारी जगह फेमस है। चाइनीज़ के लिए भी लोग काफ़ी यहाँ पर खाने के लिए आते हैं, और ऑफकोर्स पानीपुरी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी सारी यहाँ पर लारीज आपको पानीपुरी की देखने को मिलेगी। तो अभी हम मार्केट चार रास्ता आ गए हैं, ये मार्केट चार रास्ता है, हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है जहाँ पर सब्जी मंडी है। और ये जितने भी आप स्टॉल देख रहे हैं सभी फ्रूट के लिए है यहाँ पर। तो ये जो गेट है ये होलसेल मार्केट के लिए है। यहाँ पर भी बहुत ही भीड़ है, देखते हैं नीचे उतर के मैं आपको अगर दिखा सकता हूँ तो, नहीं तो गाड़ी से ही दिखा देता हूँ, क्योंकि गाड़ी रखने की भी जगह नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों ये एपीएमसी मार्केट है, जिसे बड़ी मार्केट से भी जाना जाता है, और यहाँ पर होलसेल में लोग सब्जी खरीदने के लिए आते हैं और यहाँ से ले जाकर फिर रिटेल बेचते हैं। तो जितने भी आसपास के गांव के जितने भी किसान हैं वो सभी लोग अपनी सब्जी यहाँ पर बेचने के लिए लाते हैं, और यहाँ से फिर व्यापारी उन सभी सब्जियों को आगे बेचते हैं। तो भाई अभी मैं मार्केट के अंदर हूँ, एपीएमसी मार्केट, और यहाँ पे मैंने गाड़ी तो लगा दी, मैंने सोचा कि गाड़ी लगा के हम थोड़ा अंदर जाएंगे,
लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी लगाई पीछे दूसरी गाड़ी आ गई, अभी मेरी गाड़ी निकलना भी दिक्कत हो गया। यही एक रीज़न था कि मैं गाड़ी लगा के नहीं जाना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, उनको बोला तो वो अभी अपनी गाड़ी हटा रहे। तो मार्केट के अंदर हम नहीं जाते, मैंने आपको जो बाहर से ही मार्केट दिखाई, अंदर तो सब्जी आई है तो मैंने सोचा कि अंदर नहीं जाते हैं, यहाँ बाहर से ही मैंने आपको मार्केट दिखा दी। अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं बाहर, तो शायद से जय जलाराम खमन है वहाँ पे जाएंगे। अगर दो प्लान है, शायद वहाँ जाएंगे, नहीं तो फिर एक ऊसड़ से ऊसड़ है वहाँ पे जाएंगे। वैसे तो मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ, लेकिन देखते हैं, अगर आधे घंटे के बाद थोड़ी भूख लगती है तो फिर हम विज़िट करने के लिए जाएंगे। अभी तो प्लान ये है कि हम थोड़ा घूमने ही वाले हैं, लेकिन एक गाड़ी हटे उसके बाद और देखते हैं। जलाराम खमन, जो जय जलाराम खमन है, तीसरे गेट के बिल्कुल बाहर ही एक खेतेश्वर स्वीट करके है, उसके एग्जिट बाजू में ही है। तो प्लान बना तो वहाँ पे जाते हैं, नहीं तो फिर आगे घूमने के लिए निकल जाएंगे। तो अभी तो मैं बाहर निकल चुका हूँ, क्योंकि जो अंदर वाली गाड़ी है उसको निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक के लिए हम वो जय जलाराम खमन है वही विज़िट कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं और विज़िट करते हैं जय जलाराम खमन। तो भाई वहाँ पर सामने है जय जलाराम खमन, तो चलिए चलते हैं और विज़िट करते हैं। तो मैं मार्केट से बाहर निकल चुके हैं और वो जय जलाराम खमन है वहाँ से मैंने पट्टी समोसा और खांडवी ले ली, लेकिन वहाँ पे नहीं खाई क्योंकि खाने का कोई मूड अभी है नहीं, क्योंकि घर से मैं जस्ट नाश्ता करके ही निकला था, तो अभी कोई खाने का मूड नहीं है। लेकिन जो पट्टी समोसा और खांडवी है वो घर के लिए मैंने ले लिया है, तो पार्सल मैंने करवा लिया। मेरा आज खाने का मन है वो सेउसड़ है, तो देखते हैं उसका प्लान होता है तो, बाकी और कुछ खाने का मन नहीं है। अभी हम चलते हैं नवा डेपो, तो जम्बूसर पादरा मेन हाईवे के ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ से अभी नवा डेपो विजिट करेंगे और शायद से होगा तो गोविंदपुरा से होते हुए हम गाड़ी निकालेंगे। देखते हैं वहां जाके क्या प्लान बनता है। ये है नवा डेपो एरिया और यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं डेपो के अंदर। तो ये कुछ डेपो है यहाँ का और यहाँ से पादरा के सभी गांवों में कनेक्टिविटी है, साथ ही साथ आप करजन, वडोदरा, जम्बूसर सभी जगहों को ये कनेक्ट करता है। सामने है महाराणा प्रताप की एक मूर्ति। तो भाई ये था पादरा डेपो, जो मैं अंदर डेपो में अंदर से गाड़ी से ही आपको दिखा दिया, और मुझे नहीं पता कि डेपो के अंदर मैं जब कब गया था, शायद से एक बार पापा को कहीं पर जाना था तब छोड़ने गया था, और बस में तो मैं जब 11वीं या 12वीं में था तब
मुश्किल से, हाँ तभी शायद एक या दो बार बैठा था, तब से करीब करीब 10 साल हो गए, आज भी एक भी बार बस में नहीं बैठा हूँ मैं। लेकिन अभी ट्रैवलिंग शुरू किया है तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द बस और ट्रेन दोनों में ही मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, क्योंकि ट्रेन में भी समझो ना, मैं करीब करीब 2018 में शायद एक बार करजन से भरूच गया था, उसके बाद से बैठा ही नहीं हूँ, और मुश्किल से 3 या 4 ही बार मैंने ट्रेन में यात्रा की है। नहीं तो जिधर भी जाना होता है मैं अपनी खुद की गाड़ी से ही जाता हूँ, लेकिन एक वो भी एक जर्नी का अलग मज़ा होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ही जल्द मैं बस और ट्रेन से भी थोड़ा बहुत ट्रैवल करूँ। तो वापस से अभी मैं वडोदरा जम्बूसर हाईवे पे आ चुका हूँ। तो ये वापस से हम उसी रोड पे आ गए जो डेपो वाला है, वडोदरा जम्बूसर हाईवे। तो चलिए एक थोड़ा सा यहाँ पे काम है, वो मैं काम निपटा लेता हूँ और बाद में आपको 15-20 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से। तो मैं एक छोटा सा काम था, सोचा कि आया हूँ तो निपटा लेता हूँ, तो वो भी हो गया। उसके बाद मैं गया था महाकाली सेवूसर विजिट करने के लिए, वो वहाँ सामने है। लेकिन दिक्कत क्या हुई ना कि अभी दिवाली चल रही है तो सभी लोग अपने फैमिली के साथ खरीदी करने के लिए आए हैं, तो पूरा रेस्टोरेंट अभी फुल है क्योंकि दोपहर का टाइम है। एक सेकंड, सीट बेल्ट लगाना भूल गया। तो दिवाली का टाइम है तो पूरी फैमिली यहाँ पर लोगों की आती है खरीदी के लिए, और खाने का अभी टाइम भी हो गया था दोपहर का लंच का, तो पूरा रेस्टोरेंट फुल था। मैं अंदर गया, अभी मैं अकेला ही हूँ और एक के लिए पूरा टेबल तो अभी खाली हो नहीं सकता, तो आधा घंटा वेट था। मैंने सोचा कि वेटिंग करने से अच्छा है कि अपना काम निपटाओ और आधे घंटे में तो मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो घर जाके आराम से ही खाना खा सकता हूं, इसलिए फिर प्रोग्राम को पोस्टपोन कर लिया। और वैसे भी मैंने सेव खमनी और पट्टी समोसा अभी लिया है तो वो घर जाके खाऊंगा, क्योंकि घर से नाश्ता करके निकला था, इतनी भूख है नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस करने जा रहा था कि कहीं बाहर ऑन वीडियो में कुछ खाऊं, लेकिन आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। वैसे वीडियो की थी पूरी तैयारी में ही गया था, लेकिन रेस्टोरेंट ही फूल है तो क्या करें। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेशन विजिट करने के लिए, तो यहाँ से चलते हैं, स्टेशन दिखाता हूँ मैं आपको। हालाँकि अभी तो बंद हालत में है और जो पटरियाँ थी वो भी निकाल ली है, तो स्टेशन जाएंगे, जो स्टेशन है वो दिखाता हूँ और स्टेशन गार्डन है वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं स्टेशन। तो डेपो से आप जैसे ही आओगे, जो आप अंबेडकर सर्कल है वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है स्टेशन जाने के लिए। इस रोड पे आपको गर्ल्स स्कूल यहाँ पर देखने को मिलेगी, फिर सार्वजनिक व्यायाम शाला है सामने, तो ये सर्कल है कलामय संस्कार धाम करके, और सामने बिल्कुल आप जो देख रहे हैं वो स्टेशन है। तो गाइज ये स्टेशन है जो कि पूरी तरीके से अभी बंद हालत में है, जो पटरियाँ थी वो पटरियाँ भी यहाँ से निकाल ली गई है। पहले काफ़ी दमदम था स्टेशन था, यहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक थी, सभी लोग यहीं से आया जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर यहाँ पे लोग कम हुए और फिर ट्रेन भी बंद हो गई, अभी तो पटरियाँ भी निकाल ली गई है। तो ये पादरा स्टेशन रेलवे स्टेशन जो कि अभी बंद हालत में है। तो देख सकते हैं पादरा स्टेशन
और यहाँ पे पटरियाँ हुआ करती थी, जबकि पूरी तरीके से अभी आपको सिर्फ और सिर्फ घास देखने को मिल रही है, क्योंकि पटरियाँ सारी निकाल दी गई है। और ये लुक था स्टेशन का, अभी तो बंद हालत में सब कुछ पड़ा है। तो ये है यहाँ पे टिकट बारी, तो ये था यहाँ का स्टेशन पादरा स्टेशन, जो कि एक समय पे काफी दमदमता था, लेकिन अभी पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा सभी पटरियाँ भी निकाल ली गई है, ट्रेन सब बंद हो गई है यहाँ पे। हालांकि ये किया दो मुझे नहीं पता, यहाँ पे ट्रेन चलती थी और काफ़ी सारे लोग उससे आया जाया करते थे। मेरे पापा ने भी कहा कि वो भी इसी ट्रेन से आया जाया करते थे, यहाँ से बड़ौदा जाते थे, और ये जम्बूसर से शायद निकलती थी डब्बे के लिए, ऐसा ही कुछ रूट था इसका। तो यहाँ से सब जॉब जाते थे, सुबह 5 बजे के आसपास यहाँ से जॉब के लिए निकलते थे इसी ट्रेन से, ऐसा कुछ था जो मुझे इतना खास मालूम नहीं है। लेकिन अभी हालत देखे तो पूरी तरीके से जर्जरित हालत है, अभी पूरी तरीके से ये बंद है। चले, ये था स्टेशन मैंने आपको दिखाया। अभी यहाँ से बिल्कुल सामने गार्डन है, जिसे स्टेशन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी को यहीं पे रखता हूँ और हम गार्डन विजिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग के लिए अच्छी व्यवस्था है। तो गाड़ी को यहीं पे पार्क करता हूँ और हम चलते हैं गार्डन विजिट करने के लिए। ये गार्डन का मेन गेट है यहाँ पर। तो भाई, अभी मैं स्टेशन गार्डन के अंदर हूँ और आपको लुक दिखा देता हूँ यहाँ का। तो ये है पादरा का स्टेशन गार्डन, काफ़ी अच्छी जगह है मॉर्निंग वॉक के लिए, और शाम को लोग काफ़ी सारे यहाँ पर चलने के लिए आते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आराम फरमाने के लिए भी आते हैं। और गौरी व्रत में तो बहुत सारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ है वो यहाँ पर घूमने के लिए आती है, और अच्छी तरीके से यहाँ पर मेंटेन भी किया हुआ है। और अभी काफ़ी सारा काम जो है वो चालू है। तो ये कुछ यहाँ का गार्डन है। और वहाँ सामने आप जो देख रहे हैं वो स्वामी नारायण हॉल है, पादरा का काफ़ी बड़ा वो हॉल है, और उसके बाजू में ही पीपी श्रॉफ हाई स्कूल है वहाँ पर। तो जब हम लोग यहाँ पर कॉलेज में थे और स्कूल में थे, एमके अमीन कॉलेज यहाँ पर बाजू में ही है, अभी उस साइड जाके मैं दिखाता हूँ अगर दिखे तो कॉलेज में थे तब भी यहाँ पर आकर काफ़ी टाइम बिताते थे, और जब पीपी श्रॉफ 11वीं और 12वीं में थे तब भी यहाँ पर लंच के लिए आया करते थे। काफ़ी यादगार जगह है और काफ़ी सुंदर जगह है, सब बच्चों के लिए अभी नया किया हुआ है, उस वक्त भी था लेकिन वो सब पुराना था जो निकाल दिया है, और अभी नई तरीके से सब कुछ नया यहाँ पर लगाया गया है ताकि छोटे बच्चों को भी यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ सके। वो सामने आप जो देख रहे हैं वहाँ पर है एमके अमीन कॉलेज, पहले पीछे से आया जा सकता था लेकिन अभी तो शायद बंद कर दिया, कोट कर दिया है। भाई, ये पूरा गार्डन था जो मैंने आपको दिखाया, पादरा स्टेशन गार्डन के नाम से जाना जाता है। पीपी श्रॉफ हाई स्कूल भी यहाँ पर है, स्वामीनारायण हॉल भी यहाँ नज़दीक में, और एमके अमीन कॉलेज भी यहाँ पर पास में ही है, और ये स्टेशन से बिल्कुल सामने ही है, इसीलिए इसको स्टेशन गार्डन भी कहा जाता है।
दोस्तों ये था स्टेशन गार्डन पादरा। तो इस पूरे ब्लॉग को अभी हम यहाँ पर ही एंड करने वाले हैं। इस पूरे ब्लॉग में हमने गायज में जो चंचल माता का मंदिर है वो विजिट किया, उसके बाद जो दादापुरा में चेतन हनुमान जी दादा का मंदिर है वो विजिट किया, फिर मैंने आपको जो पादरा है वो गाड़ी से ही ज़्यादातर मैंने आपको एक्सप्लोर किया है। एक ऐसा वीडियो हम तैयार करने वाले हैं जो त्यौहार के बाद शायद करेंगे, जिसमें पूरा पादरा मैं आपको घूम के दिखाने वाला हूँ। एक वीडियो बहुत ही जल्द शायद आएगा। तो चले इस व्लॉग को यहीं पर रखते हैं। वहाँ पे उसड़ तो हमें खाने के लिए नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर जो स्टेशन के बाहर ही है गन्ने का जूस मिलता है, तो इसको एंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं घर। तो ये 30 रुपीज़ का हमें मिला है जो कि फुल है, हाफ भी मिलता है 20 रुपये में, काफ़ी बढ़िया है क्योंकि पूरा नेचुरल है। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को रखते हैं यहीं पर। आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप सब की दिवाली बहुत ही खुशनुमा हो, ऐसे ही भगवान से शुभकामना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ अगर नज़दीकी कोई अच्छे से लोकेशन हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी रखते हैं इस व्लॉग को यहीं पर, आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।